गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ केमिस्ट्री ऑफ श्री महावीर इंटरनेशनल स्कूल किशनगढ़ रेनवाल। इन द लास्ट वीडियो दैट इज पार्ट 5 ऑफ अल्कोहल, वी हैव स्टडीड अबाउट द कमर्शियली इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट अल्कोहल्स इन विच वी स्टडीड मैथेनॉल एंड एथेनॉल। फर्दर ऑन गोइंग एथेनॉल वी स्टडीड दैट what is the importance of ethanol in daily life, then we can study its importance and the structure and the general terms regarding the ethanol. Now on moving forward, there are two methods of synthesizing ethanol in industries. Number one, ethanol formation from molasses, which have already studied in the last video. Okay, now we are going to study the second method of formation of ethanol in industries, which is from the substance in which starch is obtained. Starch is mainly found in plants, which is the storing food of plant, in which the examples of starch containing substances are potatoes, rice, wheat, barley and maize. So these are the substances which have abundance of starch. तो हम ये बात कर रहे हैं कि हम जो एथेनॉल बनाने वाले हैं, अल्कोहल बनाने वाले हैं, वो स्टार्च कंटेनिंग सब्सटेंस से बनाएंगे, जिनमें कि बाजरा है, जौ है, मक्का है, आलू है। तो इन चीज़ों में स्टार्च बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो इनसे हम क्या बनाने वाले हैं, एथेनॉल बनाने वाले हैं। मेरी वेबसाइट पर हमने इस पूरे फॉर्मेशन को लिख लिया है, आप लोग अपने मोबाइल को स्क्रीनशॉट लेकर के इसको उतार लेंगे, यही आपका फॉर्मेशन होगा कि हम इसको कौन कौन से स्टेप फॉलो करते हैं। तो देर आर 4 स्टेप्स टू ऑब्टेन एथेनॉल फ्रॉम स्टार्च कंटेनिंग सब्सटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो हाउ मेनी सब्सटेंस और विच सब्सटेंस हैव स्टार्च इन एबंडेंस। तो दीज आर द पोटेटोज, मेज, बार्ले, ओके, वीट एंड राइस। तो दीज आर द सब्सटेंस हैविंग एबंडेंस ऑफ एथेनॉल। ओके, देर आर 4 स्टेप्स टू फॉर्म द एथेनॉल। First method is the saccharization. What is saccharization? In the board examination, this term can be asked from you. What is the saccharization? Saccharization is the conversion of starch into maltose. आप क्या बताएंगे? अगर starch को maltose में convert किया जा रहा है, तो उस process को कहा जाता है saccharization. Okay बच्चों? The saccharize जो word है, ये Latin या Greek भाषा के word से आया है. It means saccharides. तो सैकेराइड्स जो होते हैं बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो कि आपके चावल, गेहूँ, शुगर केन, इन सब के अंदर ये पाए जाते हैं। दीज आर ऑफ 3 टाइप्स मेनली, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड। इन द फर्दर वीडियो ऑफ केमिस्ट्री इन विच बायोमोलिक्यूल्स टॉपिक विल बी स्टडीड, देन वी अगेन स्टडी द टाइप्स ऑफ सैकेराइड्स। ओके, नाउ वी शुड नो व्हाट इज द टर्म रिगार्डिंग सैकेराइजेशन। तो देन वी कैन से दैट सैकेराइजेशन इज द प्रोसेस in which starch is converted into maltose. तो maltose का जो formula होता है children, वो होता है C12H22O11, ठीक है। sucrose का जो formula होता है, जो कि sugar या चीनी गुड़ में पाया जाता है, वही formula किसका होता है, maltose का भी होता है, but इनके structure में, इनके behavior में जो होता है, काफी difference होता है। तो हम लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब हमें maltose में convert करना है, तो हमें यहाँ पर दो डिफरेंट मेथड जो है वो यूज लेने होंगे, और दोनों को कंबाइन करने से हमें क्या मिलेगा, जो है माल्टोज मिलेगा। सबसे पहले हम मेश बनाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप जो सैकेराइजेशन का होगा वो है फॉर्मेशन ऑफ मेश। अब मेश कैसे बनाएंगे, आपने जो बार्ले लिया या आपने जो जौ लिया या मेज लिया या पोटेटो लिया या वीट लिया या राइस लिया, इसको हम क्या करेंगे, बड़े बड़े ग्राइंडर्स होते हैं, उन ग्राइंडर्स में डाल करके हम इसको पानी के साथ में इसके बारीक बारीक से टुकड़े कर देंगे, और टुकड़े करने पर जो हमें लेई जैसा, बोन जैसा जो लिक्विड हमें मिलेगा, उसी लिक्विड को कहा जाता है मेश। टेक्निकली मैंने इसको लिख दिया है यहाँ पे, ग्राइंडिंग ऑफ वीट, राइस, बार्ले, मेज इनटू स्मॉल पीसेस एंड हीटेड एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर विद वाटर, सो दैट मिल्की वाइट डेंस लिक्विड, दूध जैसा एक डेंस लिक्विड हमें मिलेगा, उसी डेंस लिक्विड को हम क्या कहते हैं, मेश कहते हैं। आपको ये बात समझ आ गई होगी। आपको माल्टोज बनाना है, तो माल्टोज बनाने के लिए आपको सैकेराइजेशन प्रोसेस को से स्टार्ट करना होगा, और सैकेराइजेशन में सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, मेश बनाना होगा। और मेश बनाने के लिए हमें क्या करना है, जो ग्राइंडर मशीन होती है उसके अंदर हम वीट, बार्ले, मेज, पोटेटो,
राइस इनको हम उसके अंदर पानी के साथ डालेंगे और हाई टेम्परेचर और प्रेशर के साथ इसको ग्राइंड किया जाएगा। तो ग्राइंड करने से इसके बारीक बारीक पीस जो बनेंगे और वही पीस जो है उसके अंदर पीस करके एक लेई जैसा मिल्की वाइट सब्सटेंस बनाएंगे, लिक्विड बनाएंगे, तो उसी को क्या कहा जाएगा, मेश कहा जाएगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ माल्ट एक्सट्रैक्ट। अब हम क्या बनाने वाले हैं, माल्ट एक्सट्रैक्ट बनाने वाले हैं। इसमें क्या करेंगे, आप दूसरे वाले जो आपके पास बार्ले थे या आपके पास में मेज है या राइस है उसको आपने लिया और उन क्यों क्यों लिया जाता है, बार्ले को इसमें मेन लिया जाता है, बार्ले मीन्स जो, तो जो को इसमें लिया जाता है। और क्यों लिया जाता है, क्योंकि जो के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको एक एंजाइम मिलता है, उस एंजाइम को कहा जाता है डाइस्टेज। वी शुड नो द एंजाइम प्रेजेंट इन बार्ले और जो, तो जो के अंदर या बार्ले के अंदर जो एंजाइम पाया जाता है उसका क्या नाम है, डाइस्टेज नाम है। तो इस डाइस्टेज एंजाइम की हेल्प से हम अपने माल्ट एक्सट्रैक्ट को बनाने वाले हैं। तो आपने क्या किया, जो लिए, इन जो को आपने भिगोया और भिगोने के बाद इसको अंधेरे कमरे में 288 केल्विन पर 2 से 3 दिनों के लिए इसको छोड़ दिया जाता है। तो आपने देखा होगा घरों में भी हम लोग ये करते हैं, अगर जो को अंधेरे कमरे में 2 से 3 दिन के लिए भिगो करके रख दिया जाए तो वो जर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है ना, जैसे हमारे चने वगैरह जर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो भी जर्मिनेट हो जाएगा और उसी को हम क्या करेंगे, ग्राइंड कर देंगे। और ग्राइंड करने से जो हमें लिक्विड मिलेगा उसको हम छान लेंगे, छाने हुए उस लिक्विड को ही हम क्या करते हैं, माल्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं और इसके अंदर डाइस्टेज एंजाइम बहुत ज़्यादा एबंडेंस में पाया जाता है। तो मैंने इसको लिख दिया है, फॉर्मेशन ऑफ माल्ट एक्सट्रैक्ट में क्या किया, बार्ले इज द सोर्स ऑफ डाइस्टेज एंजाइम इन एक्सेस, बार्ले सीड्स आर जर्मिनेटेड एट 288 केल्विन इन डार्क रूम फॉर 2 to 3 डेज, आफ्टर दैट दीज सीड्स आर ग्राइंडेड विद वाटर एंड फिल्टर्ड, दिस लिक्विड इज नोन एज माल्ट एक्सट्रैक्ट। ठीक है बच्चों, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब इसी स्टेप में क्या करेंगे, जो आपने सबसे पहले मेश बनाया था, जो आपका डेंस लिक्विड था, उसको मिला दिया जाएगा इस माल्ट एक्सट्रैक्ट के साथ। तो मैंने लिख दिया है, मेश एंड माल्ट एक्सट्रैक्ट बोथ आर मिक्स्ड एंड कीप एट 323 केल्विन टू 333 केल्विन फॉर फ्यू डेज एंड स्टार्च इज नाउ कन्वर्टेड इनटू माल्ट। इसको ढक करके बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर में रख दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, फर्मेंटेशन होगा डाइस्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में। स्टार्च का फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है C6H10O5 होने, इस तरह के कई सारे मॉलिक्यूल होते हैं बच्चों। तो मैंने इसको बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, पानी आपके पास प्रेजेंस में था, डाइस्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये वाटर मॉलिक्यूल इसमें ऐड हो गया। पहले मेरे पास कितने हाइड्रेट आइटम थे, 2 और ऐड हो गए, 3 कितने हो गए मेरे पास में, 12 हो गए, 5 ऑक्सीजन एटम थे जो कि हमने किया हो गया 6 हो गया, तो और ये आगे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वजह से इसका फॉर्मूला क्या बन गया, C12H22O11। ठीक है बच्चों, तो यही फॉर्मूला किसका होता है, हमारे माल्टोज का होता है। ठीक है, ये हमने क्या बना लिया, यहाँ पे माल्टोज बना लिया। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ माल्टोज इनटू ग्लूकोज। अब हमें क्या करना है, जो आपका माल्टोज बन चुका था उस माल्टोज में अब हमें खमीर मिलाना है, जैसे हम दही बनाने के लिए जामुन डालते हैं, ठीक उसी प्रकार से यीस्ट हमें मार्केट में मिलते हैं, उस यीस्ट को 303 केल्विन टेम्परेचर पर रखा जाएगा। उस यीस्ट के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम को क्या कहते हैं, माल्टेज एंजाइम। तो इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट एट 303 केल्विन द माल्टेज एंजाइम कन्वर्ट माल्टोज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। तो ये जो माल्टोज मॉलिक्यूल है ये आपका डीकम्पोज हो जाएगा और आपको एक माल्टोज के मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल किसके मिल जाएंगे, ग्लूकोज के मिल जाएंगे। इन द थर्ड स्टेप वी से दैट द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू एथेनॉल। अब हमें क्या करना है, इस जो एयरटाइट कंटेनर में जो ग्लूकोज बन चुकी थी उस ग्लूकोज में आपको क्या मिलाना है, जाइमेज एंजाइम मिलाना है और जाइमेज एंजाइम के द्वारा वो एथेन ग्लूकोज जो है वो आपके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेनॉल, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी की फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। जो बच्चों में ये एथेनॉल मिलता है इसमें एथेनॉल की जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम होती है, और कितनी होती है, ओनली 10 to 15% सॉल्यूशन होता है ये एथेनॉल का, इसका मतलब 85 to 90% इसमें क्या हो गया, पानी हो गया। तो इस सॉल्यूशन को कहा जाता है बर्ड। इन द बोर्ड एग्जाम इट कैन बी आस्क्ड टू यू दैट व्हाट डू यू मीन बाय बर्ड, तो आप क्या कहोगे, द एल्कोहलिक सॉल्यूशन इन विच एथेनॉल इज प्रेजेंट ओनली इन 10 to 15% rest on water is present, then this solution is known as
बट अब हमें क्या करना है, हम इस अल्कोहलिक सॉल्यूशन को डिस्टिल करेंगे। इसके मतलब एक कॉफी स्टिल नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें एक आप मान लीजिए जैसे कुकर है, उस कुकर जैसे स्ट्रक्चर के अंदर इसको हीट किया जाएगा। कितने टेम्परेचर पर? 351.2 केल्विन पर इसको हीट करेंगे। इसको हीट करने से जो वाटर है वो वाटर जो है इवेपोरेट होकर के बाहर निकल जाएगा, तो वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो तो हो जाएगी कम और अल्कोहल की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा। तो उस तरह से हमें 95.5% अल्कोहल हमें मिल जाएगा। और इस अल्कोहल को कहा जाता है रेक्टिफाइड स्प्रिट। हमें ध्यान रखना है द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल व्हेन 95.5%, इसका मतलब 4.5% क्या है हमारे पास में? वाटर है। तो ऐसे अल्कोहल को हम क्या कहते हैं? रेक्टिफाइड स्प्रिट कहते हैं। हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास में इसका डाटा होंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको उतार लेंगे। तो ये हमारे पास हो गया। एक बार मैं दोबारा से आपको इसको बता देता हूँ। आपने क्या लिया? वीट, राइस, बार्ले लिया। सबसे पहले आप इसमें सैकराइजेशन करोगे। सैकराइजेशन का मतलब क्या होता है कि स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना कहलाता है। क्या बोला जाता है? सैकराइजेशन कहलाता है। इसमें दो चीज़ें हमें करनी होती है, एक तो मेश को बनाएंगे और दूसरा माल्ट एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। मेश बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो वीट राइस वगैरह है इसको हम ग्राइंडर में डाल करके पानी के साथ में बारीक टुकड़े कर लेंगे, और टुकड़े करने के बाद में जो गोंद जैसा लिक्विड, डेंस लिक्विड मिलेगा हमें वाइट वाला, उसको कहा जाता है मेश। सेकंड हमें क्या काम करना है? माल्ट एक्सट्रैक्ट बनाना है। जो आपके बार्ले थे, मेनली बार्ले या जो को लिया जाता है, क्योंकि बार्ले के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम एक्सेस में पाया जाता है, तो बार्ले को भिगो करके इसको अंधेरे कमरे में 2 से 3 दिन के लिए रखा जाता है, जिससे कि ये जर्मिनेट हो जाता है। अब इसको वाटर के साथ में जब ग्राइंड किया जाता है तो हमें एक लिक्विड मिलता है, उसे हम छान लेते हैं। उस छने हुए लिक्विड को हम क्या कहते हैं? माल्ट एक्सट्रैक्ट कहते हैं। अब हम माल्ट एक्सट्रैक्ट और माल्ट को मेश को दोनों को मिला देंगे, और मिलाने के बाद में हम ये देख रखा करते हैं इसको 323 से 333 केल्विन टेम्परेचर पर इसको रखा जाता है। तो वो जो आपकी जो स्टार्च थी वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर? माल्टोज में। इन द सेकंड स्टेप माल्टोज को कन्वर्ट किया जाता है किसमें? ग्लूकोज में। जब ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं तो एक एंजाइम काम में लिया जाएगा, उसका नाम होता है माल्टेज, विच इज प्रेजेंट इन यीस्ट। टेम्परेचर लिया जाता है 303 केल्विन का, एयर टाइट कंटेनर में ही ये काम हो रहा है। तो एक माल्टोज के मोलिक्यूल्स में 2 मोलिक्यूल किसके मिल जाते हैं? ग्लूकोज के मिल जाते हैं। आफ्टर दैट इन द थर्ड स्टेप दिस ग्लूकोज इज नाउ कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल बाय जाइमेज एंजाइम। तो जाइमेज एंजाइम के द्वारा इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर लिया जाता है एथेनॉल के 2 मोलिक्यूल में। जो एथेनॉल आपको इसमें मिलती है उसमें केवल 10 से 15% ही क्या होता है आपके पास में? अल्कोहल होता है। और इस अल्कोहल वाले सॉल्यूशन को कहा जाता है वर्ल्ड। उसके बाद में हम कॉफ़ी स्टील के अंदर इसको 351.2 केल्विन पर गर्म कर देते हैं, जिससे जो आपका 85% जो पानी था वो इवेपोरेट हो जाता है और हमें 95.5% कंसंट्रेशन वाला अल्कोहल मिल जाता है। 95.5% कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इज नोन एज रेक्टिफाइड स्प्रिट। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग क्या प्राप्त कर लेते हैं? एथेनॉल को प्राप्त कर लेते हैं इंडस्ट्रियली। ठीक है बच्चों, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, अब उसके बारे में हम बात करते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बच्चों हमारे पास जो अब की बार इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है उसमें हम ध्यान रखेंगे। कई बार बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें ध्यान रखेंगे, इसके बारे में पूछा जाता है मेनली। पहली टर्म है एब्सोल्यूट अल्कोहल, दूसरी टर्म है रेक्टिफाइड अल्कोहल इसे कहते हैं, तीसरी टर्म में पावर एल्कोहल किसे कहा जाता है, फोर्थ टर्म में हमारे पास में डी नेचर्ड एल्कोहल। 2016 में बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन यहाँ से, एब्सोल्यूट एल्कोहल किसे कहते हैं? 100% प्योर एथेनॉल, 100% प्योर एथेनॉल इज नोन एज एब्सोल्यूट एल्कोहल। अब रेक्टिफाइड एल्कोहल किसे कहते हैं? अगर हमारे पास एथेनॉल 95.5% है, 95.5% तो क्या है हमारे पास? एथेनॉल है, प्लस 4.5% हमारे पास क्या है? वाटर है। तब इसको कहा जाता है रेक्टिफाइड स्कोर, रेक्टिफाइड अल्कोहल कहा जाता है, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। बात आती है पावर अल्कोहल क्या है, अगर हम 80% जो है ये तो हमारे पास क्या हो? एथेनॉल हो, ठीक है, सॉरी 80% हमारे पास में क्या हो? पेट्रोल हो। उसके अंदर जो है हम लोग 15% जो है वो बेंजीन मिला दें, रेस्ट पॉइंट 5% जो है हमारे पास क्या हो? C2H5OH हो, तब ऐसे अल्कोहल को हम क्या कहते हैं? पावर अल्कोहल। बच्चों ये हमारा फ्यूल है, जब आप पेट्रोल डीजल पंप पे
पेट्रोल या डीजल बनाने जाते हैं तो वहाँ पर एक विशेष प्रकार के पेट्रोल या डीजल के बारे में आपसे कहा जाता है और उसको कहा जाता है पावर पेट्रोल या पावर डीजल। तो पावर पेट्रोल या पावर डीजल जो है वो ऐसे बनाया जाता है कि जो पेट्रोल है वो लगभग 80% के आसपास होता है, बेंजीन उसके अंदर 15% मिलाई जाती है और 5% के आसपास जो है उसके अंदर क्या मिलाया जाता है, एथेनॉल मिलाया जाता है। तो इस कंपोजिशन को कहा जाता है पावर एल्कोहल विच इज यूज एज फ्यूल, ठीक है ना। उसके बाद आता है डी नेचर्ड एल्कोहल। डी नेचर्ड एल्कोहल क्या है, जो एथेनॉल है हम इसको क्या कहेंगे, टू प्रिवेंट ड्रिंकिंग ऑफ एथेनॉल when few substance like copper sulfate or pyridine or हम कह सकते हैं methanol is mixed then it is known as डीनेचर्ड एल्कोहल। तब इसे क्या कहा जाता है, डीनेचर्ड एल्कोहल कहा जाता है। यानी कि जो एल्कोहल है उसको पीने से बचाने के लिए जब इसके अंदर या तो मेथनॉल को मिला लिया जाए या इसमें कॉपर सल्फेट मिला लिया जाए या इसमें पिरिडीन को मिला लिया जाए तो ये पॉइजनस नेचर का हो जाता है। तो ऐसे एल्कोहल को पिया नहीं जाता, ये केवल इंडस्ट्रियल यूज का ही होता है। तब ऐसे एल्कोहल को क्या कहा जाता है, डीनेचर्ड एल्कोहल कहा जाता है। आपके बात समझ आ गई होगी पावर एल्कोहल किसे कहते हैं, डीनेचर्ड एल्कोहल किसे कहते हैं, रेक्टिफाइड एल्कोहल क्या होता है और एब्सोल्यूट एल्कोहल क्या होता है। तो यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं जो हमारे पास बाकी बचे हुए जो एल्कोहल है जैसे कि ग्लिसरीन और ग्लिसरॉल, उसके बारे में बात की जाती है। अभी तक हम बात कर चुके थे मेथेनॉल और एथेनॉल के बारे में, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, इंस्टेड ऑफ मेथेनॉल एंड एथेनॉल देयर आर टू अदर इम्पोर्टेंट अल्कोहल इन विच फर्स्ट इज दिस एंड अनदर वन इज दिस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, CH2OH और CH2OH। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है हमें याद रखना है, इस स्ट्रक्चर को कंपाउंड को कॉमनली क्या कहा जाता है, एथिलीन ग्लाइकोल इसको कहा जाता है और एथिलीन ग्लाइकोल को ही हम ग्लाइकोल भी कहते हैं, ठीक है ना। मेनली जो मेडिसिन के फॉर्म में ये काम में रहता है, जैसे खांसी वगैरह की जो दवाइयाँ होती है उसमें इसको लिस्ट अमाउंट में काम में लिया जाता है। इस कंपाउंड का हाइड्रोजन आप जब आप बोलेंगे तो ये दो कार्बन का स्ट्रक्चर है, इसका नाम हो गया एथेन 1,2 ग्लाइकोल। क्या क्या यूजेस हैं, एक तो टेरिलीन पॉलीमर, हम आगे जाकर के जब पॉलीमर पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इसको स्टडी करेंगे। तो टेरिलीन नाम का एक पॉलीमर है, उससे हम क्या बनाते हैं, रेशे फाइबर्स बनाते हैं जो हमारे कपड़े वगैरह के थ्रेड्स होते हैं, तो फाइबर्स बनाने काम में आता है। इट इज ऑल्सो यूज एज प्रिजर्वेटिव एंड एज लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट जो हमारी कार वगैरह जो होती है, तो जो कार के जो रेडिएटर होते हैं वो इंजन को ठंडा रखने के काम में आते हैं, तो रेडिएटर्स में लुब्रिकेंट के फॉर्म में हम ग्लाइकोल को यूज में लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गया CH2OH, CH2OH इज ऑल्सो नोन एज ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल विच हैव आईपीसी नेम एथेन 1,2 ग्लाइकोल, ठीक है ना। टेरिलीन फाइबर के बनाने में काम में आएगा, उसके अलावा प्रिजर्वेटिव और लुब्रिकेंट के फॉर्म में ये काम में आता है। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ हमारे पास जो कंपाउंड है वो तीन कार्बन वाला एल्कोहल है, CH2OH, CHOH और CH2OH। ये तीन कार्बन का हमें तीन हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग जो एल्कोहल दिख जाए तो हम इसको कॉमनली क्या कहते हैं, ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल। आप में से कई सारे बच्चों ने ग्लिसरीन का नाम सुना होगा, सर्दियों में हमारी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है तो उसको हम मॉइस्ट करने के लिए जो ग्लिसरीन नाम का जो केमिकल है वो मोस्टली गर्म हमारे पाया जाता है, उसको हम यूज में लेते हैं। तो ये ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल है, इसका आईपीसी नाम है प्रोपेन 1,2,3 ट्राइपोल। क्या क्या यूजेज है, इन द फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन, आप लोगों के घर में ही हमारे घरों में एक बोरो प्लस नाम की क्रीम पाई जाती है, तो वो बोरो प्लस नाम की जो क्रीम है वो इसी का एक कंपोजिशन है। तो उस क्रीम के अंदर आप देख लेना उसमें क्या लिखा रहता है, बोरोग्लिसरीन। तो बोरोग्लिसरीन नाम की जो क्रीम है जिसको हम बोरो प्लस कहते हैं वो यही है, तो उस मेडिसिन को बनाने में काम में जाता है जो कि हमारी स्किन को या नॉर्मल जो कट्स बाउंस होते हैं उसको सही करने के काम में आता है। इसकी जो नेचर होती है ये हाइग्रोस्कोपिक है, मॉइस्चर को ये मेंटेन रखता है, इसलिए इसको हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक।
इस वजह से इसका उपयोग जो है हम लोग फेस क्रीम में या जो हमारे पास में शेविंग क्रीम है या लिपस्टिक वगैरह जो है तो उसके फॉर्मेशन में इसको यूज किया जाता है। उसके अलावा इसको लुब्रिकेंट के फॉर्म में भी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि कार वगैरह के जो रेडिएटर है उसके अंदर लुब्रिकेंट के रूप में इसको काम में ले जाते हैं और उसी लुब्रिकेंट के साथ साथ ये एंटी फ्रिज के रूप में भी काम में लिया जाता है कारों के रेडिएटर से। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट बातें आ चुकी हैं अल्कोहल के रिगार्डिंग में। अब हम थोड़ा सा इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। आपसे अगर कोई पूछ ले कि टिंचर आयोडीन किसे कहा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय टिंचर आयोडीन, तो टिंचर आयोडीन बच्चों जो है एक प्रकार का एंटीसेप्टिक सब्सटेंस है जो हमारे स्किन पर छोटे मोटे जो बाउंस हो जाते हैं कट हो जाते हैं तो उसको बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो आप एक चीज ध्यान रख लेंगे टिंचर आयोडीन जो है वो किसे कहा जाता है, 2-3% आयोडीन सॉल्यूशन इन एथेनॉल। आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि 2-3% आयोडीन का एथेनॉल में जो सॉल्यूशन होता है उसी को कहा जाता है टिंचर आयोडीन। और ये एक बहुत अच्छा क्या है एंटीसेप्टिक सब्सटेंस है जो कि नॉर्मल बॉन्स वगैरह को प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया वायरस के द्वारा। तो ये चीजें हैं जो हमें इस वजह से ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से आज वाली क्लास में हमने अल्कोहल को यहाँ पे एंड किया हुआ है। अब अल्कोहल के जब अगले लेवल में हम जाएंगे तो हम बात करेंगे फिनॉल की। तो अगली क्लास जो होगी उसमें किसकी बात की जाएगी, फिनॉल की, एक एरोमेटिक अल्कोहल के बारे में बात की जाएगी। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो वो बात कर लेगा। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन गुड बाय एंड गुड डे।